हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों और अब क्या करें आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं और लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे होने क्या वाला है लुक व्हाट्स हैपनिंग हो क्या रहा है एंड व्हाट आई व्हाट डू आई डू नाउ और अब मैं करूं क्या बहुत सारे लोग परेशान हैं मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट एक पॉइंट की बहुत सारे स्टॉक्स में अपने मंथली वीकली डेली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर दिया है टूट चुके हैं इंडेक्सेस ही है चाहे वो मेटल इंडेक्स की बात हो चाहे वो ऑटो इंडेक्स की बात हो निफ्टी की बात हो या आप बात करें यू नो you know, किसी भी अदर सेक्टर्स की बहुत सारे ऐसे सेक्टर आईटी सेक्टर हो गया बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त गिरावट हम सभी को देखने को मिली है इलेक्शन रिजल्ट का समय आ रहा है 11 दिसंबर को फाइव स्टेट्स के इलेक्शन हैं और माना यह जा रहा है एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो इलेक्शन है जिसमें जो तीन मेजर स्टेट्स हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये तीनों ही स्टेट्स बड़े स्टेट्स हैं और इन तीनों स्टेट्स के जो रिजल्ट होंगे इलेवेंथ दिसंबर को जो आएंगे वो अगले साल 2019 में जो जनरल इलेक्शन है उस पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं और हो सकता है कि इलेक्शंस का जो नज़रिया आज हम देख रहे हैं जनरल इलेक्शंस में वो शायद बदल जाए ठीक है सो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे यू you नो know, लोगों के एजम्पन्स हैं बट अगले छ महीने आप मान के चलिए अगले छः महीने आप किसी बुलिश पैटर्न की तो उम्मीद कीजिएगा मत अगर आपको ये लगता है कि मार्केट बुलिश है तो ये याद रखिए इलेक्शंस के बाद अगर इलेक्शंस इन द फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी आ जाते हैं अगर जो भी रूलिंग पार्टी चल रही है बीजेपी अगर इलेक्शन जीत जाती है देन एक चीज है कि यहां से मार्केट में एक अपसाइड आएगा वो अपसाइड कितना रहेगा ये मैं आपको भी बताऊंगा कहां तक सस्टेन करेगा और कितने दिन चलेगा ये आप समझिए बजट है जो कि यू नो पार्शल बजट होगा चूंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो फुल बजट नहीं होगा इस वक्त केवल मई तक का यानी कि कुछ मंथ्स का ही तीन से चार महीने का बजट पेश किया जाएगा वो आएगा फर्स्ट ऑफ फेबररी को अब बजट तक मार्केट में हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ फेबर तक पूरा जैन मार्केट में एक तेजी रहे और उसके बाद फर्स्ट ऑफ फरवरी के बाद फिर लेके और प्री इलेक्शन मार्केट में एक दबाव और प्रेशर फिर से हमें देखने को मिले उसके बाद इलेक्शंस के नंबर्स अगर यू नो जिस तरह से एग्जिट पोल्स आने शुरू होते हैं जिस तरह से यू नो पता चलता है कि किसके फेवर में विंड ब्लो कर रही है कौन पार्टी जीतने वाली है उसी हिसाब से लोगों के मार्केट में सेंटिमेंट्स बनते हैं चाहे वो इन्वेस्टर्स हो चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो ऑपरेटर्स हो सभी के उसी हिसाब से ही जो भी उनके एजम्पन्स बनते हैं जो भी उनकी यू नो स्ट्रेटजीज तैयार होती है उस हिसाब से होती हैं तो अभी आज इसी वीडियो में इसी विषय में बात कर रहे हैं कि आखिर आखिर अब हम करें क्या क्या हमें होल्ड करनी चाहिए पोजीशन क्या इस वक्त आ, फ्रेश पोजीशन बनाने का बेहतर समय है या अभी हमें सेल करके बाहर निकल जाना चाहिए तो दोस्तों देखिए डिपेंड करेगा सेक्टर टू सेक्टर और डिपेंड करेगा स्टॉक टू स्टॉक ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स में अभी हम सेल करके निकल जाएं या सभी स्टॉक्स में हम लोग फ्रेश बाइंग ले लें या हम लोग एवरेजिंग डाउन कर दें एवरेजिंग डाउन तो उसी लिए हमें डिपेंड करता है कि सेक्टर टू सेक्टर स्टॉक टू स्टॉक वेरी करेगा वो हम कभी लेटर ऑन बात करेंगे अभी हम लोग स्पेशली निफ्टी पर बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर बात कर रहे हैं निफ्टी मेटल सेक्टर पर बात कर रहे हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर पर बात कर रहा है ये स्पेशल सेक्टर है जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि दबाव इनमें अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है तो चलिए शुरू करते हैं और इंडेक्सेस पर बात करते हैं दिस इज द निफ्टी चार्ट चार्टो हम लोग निफ्टी के चार्ट की बात कर रहे हैं तो आज थर्सडे का दिन है और बेसिकली uh, uh, अब कल जो मार्केट में जो क्लोजिंग आएगी वो डिसाइड करेगा नेक्स्ट डे का मूवमेंट क्या नेक्स्ट वीक का मूवमेंट कैसा रहेगा और किस तरह रहेगा ठीक है तो वीकली ट्रेड फिलहाल नेगेटिव दिख रहा है फिलहाल वीकनेस uh, है और मुझे लगता है कि देखिए ये एक सुपर ट्रेंड का हमने एक बना रखा है आ, बहुत अच्छी आ, ये एक बहुत सिंपल और आ, एक अच्छी स्ट्रैटी है सुपर ट्रेंड को यूज़ करना जिन लोगों को बेसिकली बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं रहते हैं उन लोगों के लिए सब तो अच्छा रहता है कि सुपर ट्रेंड पर चलें जब रेड के नीचे की क्लोथिंग आ तो सेल कर रहा है और जब रेड के ऊपर की क्लोथिंग आ यानी कि बुलिशनेस आ रही है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए जो भी आपकी फर्स्ट कैंडल है उसका जो सबसे लोअर लेवल है लो जो है उसको आप स्ट्रिक्ट स्टॉपलस बनाइए और नेक्स्ट कैंडल जो है मतलब जैसे फर्स्ट कैंडल ये है आपको मैं दिखाता हूँ एक थोड़ा सा बेसिक क्योंकि अभी अगर हमने सुपरटेंडेट बात किया दिस इज द ग्रीन कैंडल इसके बाद आप देखेंगे यहाँ रेड चल रहा था रेड के बाद यहाँ से ग्रीन शुरू हुआ ग्रीन लाइन शुरू हुई इसके बाद हमारी फर्स्ट कैंडल ग्रीन तैयार हुई तो हमने इस कैंडल पे बाय नहीं किया हमने इसकी जस्ट इस कैंडल की जब सक्सेसफुली क्लोज हो जाती है ग्रीन पोर्शन में तब हमने इसके बाद रेड ये, ये जो नेक्स्ट कैंडल थी इसके इस कैंडल पे हमने बाय किया अब इस कैंडल पर सपोज करो हमने बाय कर लिया जो भी लेवल था और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस कैंडल जो ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन वाली बंद हुई है इसका जो लो लेवल है लो जो है वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए और यहाँ पर आप बाय कीजिए और फिर आप टारगेट पे चलिए यहां पर जैसे ही रेड कैंडल क्रिएट होनी शुरू हो जाए ठीक है डाउन साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ रेड लाइन शुरू हो गई है रेड लाइन इंडिकेट हो गई है तब भी अगर आप करते हैं एग्जिट तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा बट राइट right टाइम ये होगा जब आपके पास लगातार ग्रीन अपसाइड के बाद एक अच्छी बियरिश कैंडल तैयार हो जाए आपकी रेड की तो आप लोग एग्जिट करके बाहर आ जाइए ऐसे बहुत सारे सीनैरियोज़ रहते हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं देखिए यहाँ थे ग्रीन कैंडल चली और ग्रीन कैंडल चलते, चलते 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 एक बुलिश रेड कैंडल तैयार हुई तो आपने यहाँ पर एग्जिट किया नहीं भी किया आप यहाँ पर देखेंगे रेड ही चल रहा है रेड के नीचे एग्जिट नहीं हुआ देन आप चलते रहे चलते रहे यहाँ पर आपने करा और यहाँ पर आपने एग्ज़िट किया इस रेड कैंडल में तो आपने लॉन्ग पोजीशन कब बनाई थी एट सिक्स नाइन ज़ीरो पर और एग्जिट कब किया आपने टेन फोर टू टू एट पर तो ये इस तरह से देखेंगे कि जब ग्रीन शुरू होता है तो आपको बाई पोजीशन और जब रेड शुरू हो जाए तो आपको एग्जिट पोजीशन ले लेनी है अपनी ठीक है लाइक like अब ये रैंको भी कुछ इसी तरह का चार्ट है जिसमें जब तक आपके ग्रीन ब्रिक्स uh, बन रही हैं आपको बाई पोजिशन दो कंटिन्यूस ग्रीन ब्रिक्स पर आपको बाई और दो कंटिन्यूस रेड ब्रिक पर आपको सेल करना है खैर ये तो एक चार्ट कैसे हम रीड करें उसके बारे में बात हो गई फिलहाल मुझे लगता है कि अभी जो वीकनेस है मार्केट में जो मेजर सपोर्ट जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो तकरीबन टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आसपास वीकली पे रहेगा अगर हम लोग वीकली बात करते हैं नेक्स्ट वीक चूंकि एलेवेंथ को नंबर्स आएंगे और अभी ऑलमोस्ट अगर मुझे लगता है कि दिसंबर एलेवंथ यानी ट्यूजडे वाले दिन नंबर्स आएंगे यानी कि नेक्स्ट वीक भी हमारा अब जो आने वाला है वो ट्रेंड रिवर्सल वाला वीक रहेगा सो हो सकता है कि कि आपके जो नंबर्स हैं वो मंडे और ट्यूजडे मॉर्निंग में कुछ डिप आए और कल भी हो सकता है कुछ डिप रहे मार्केट में और टेन थाउजेंड आप यू नो फाइव हंड्रेड लेबल अगर हम डेली पे बात करें यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रेन था ट्रेन लाइन से नीचे क्लोजिंग आ चुकी है आज और यहाँ से एक बीस पैटर्न का का इनिशिएटर इनिशिएशन होता है और आप देखेंगे स्टार्ट हुआ तो टेन थाउजेंड फोर फोर्टी इनिशली आप इस रेड ये जो रेड कैंडल है अगर आप इसका लो देखेंगे तो आ, क्योंकि देखिए सच कोई एश्योरेंस नहीं कि भाई यहाँ तक आएगा या यहाँ तक रिवर्सल होगा कुछ भी हो सकता है बट जिस हिसाब से ट्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पर आर एथ आई भी देखेंगे आप जिस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अगर हम लोग स्टॉक पे आ जाते हैं तो स्टोकास्टिक में भी आप देखेंगे कि अभी लगभग थर्टी लेवल के आसपास आने जा रहा है तो यहाँ से कुछ रिवर्सल आएगा बट हो सकता है यहाँ पर कुछ लिटिल बिट डिप रहे कल फ्राइडे को भी आ, मार्केट में कुछ गिरावट रहे मंडे ऑनवर्ड या ट्यूजडे ऑनवर्ड जब भी इलेक्शन रिजल्ट ट्यूजडे को रहेंगे उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आए डिपेंड करेगा वो भी कि रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं ठीक है सो तो फिलहाल वीकनेस है निफ्टी के अंदर दस हज़ार आई थिंक टेन थाउजेंड फाइव थर्टी सॉरी टेन थाउजेंड फाइव थर्टी विल बी द फर्स्ट सपोर्ट लेवल ऑन द डेली कैंडल एंड टेन थाउजेंड फाइव थर्टी के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है देन लगभग लगभग टेन थाउजेंड आपको लेट सी यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेंगे वो लगभग टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के रहेंगे टेन थाउजेंड फाइव एट्टी फाइव थर्टी सॉरी यहाँ से लगभग सेवेंटी एट्टी पॉइंट्स निफ्टी और नीचे और उसके बाद लगभग मुझे लगता है कि टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आसपास मार्केट में डिप हो सकता है अगर मंडे भी एक बड़ी गिरावट आई देखने में बिकॉज इलेक्शन टाइम है सेंटिमेंट नेगेटिव है बहुत सारे काउंटर्स में प्रॉफिट टेकिंग होगी बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स और उसके बाद जब रिजल्ट्स डिस्क्लोज होने शुरू होंगे उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाई जाएगी ठीक है तो फिलहाल ट्रेंड वीक है नेगेटिव ट्रेंड है आ, निफ्टी का और अभी और गिरावट भी संभावित है दस तो हज़ार पाँच सौ से नीचे के लेवल भी निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं कि आ, निफ्टी बैंक और दोस्तों देखिए ये कुछ आ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने आपको इंडिकेट नहीं किया हो या जो मैंने आपसे छुपाया हो आ, लेट्स वेट एंड वॉच मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आ, जो वीडियोस में हमने बात किया था और आ, बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था आप सभी को याद भी होगा आ, रहें सावधान ये नहीं दिस इज द बी कॉशियस यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड ऑफ दिसंबर को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था टुडे इज द अगर आज की अपडेट देखते हैं तो सिक्स ऑफ दिसंबर है तीन दिन पहले ही मैंने आपको अलर्ट दे दिया था कि बी कॉशियस एंड द केयरफुल डोंट बी ओवर एक्साइटेड इन द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी अब आप नहीं देखें वीडियोज़ को इग्नोर कर दें आपको लगे केवल स्टॉक रिलेटेड ही वीडियो हमें देखना चाहिए वही हमारे लिए बेनिफिटेड है निफ्टी का ट्रेंड क्या देखना है बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या देखना है उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है सो दैट्स योर प्रॉब्लम दैट्स कि आप कहाँ पर खेल रहे हैं आप अपने पैसे के साथ मजाक कर रहे हैं ये वाकई आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हैं तो यहां पर तीन दिन पहले मैंने आपको अलर्ट वीडियो दिया बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा इग्नोर किया उसको या पूरा वीडियो नहीं देखा होगा जिन्होंने देखा होगा पूरा सिंसियरली उन्होंने एक्शन भी लिए होंगे वहां पर आगे ठीक है और आज फिर मैं वीडियो यही डाल रहा हूँ सो इसमें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जस्ट अ मोमेंट बैंक निफ्टी में बात करते हैं हम लोग तो बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए उस वक्त भी मैंने आपको बताया था 27000 इज बिग रेजिस्टेंस लेवल और अभी आप देखेंगे 26198 का लेवल है फिलहाल 25684 विल बी द सपोर्ट जोन 25684 या 690 नेक्स्ट सपोर्ट आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर और अभी फिलहाल एक या दो दिन जो कल आ, चुके आज एक्सपायरी हुई है फिर कल से नया आ, बैंक निफ्टी सीरीज शुरू हो जाएगा सो लेट सी कि मंडे ट्यूजडे किस तरह का मार्केट में ट्रेंड रहता है बैंक निफ्टी का फिलहाल वीकनेस है फिलहाल ट्रेंड डाउन साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कहाँ सपोर्ट लेता है हो सकता है जो स्मॉल सपोर्ट ले मार्केट में बैंक निफ्टी वो तकरीबन पच्चीस नौ सौ अस्सी या छब्बीस हज़ार के आसपास ले छब्बीस हज़ार अगर टूटा देन डेफिनेटली आपको पच्चीस छः सौ पच्चीस सात सौ तक के लेबिल बैंक निफ्टी में देखने को मिल पच्चेश्� सकते हैं नेक्स्ट थर्सडे सीरीज के अंदर ओके जो भी इनका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है थर्जडे को नेक्स्ट सो बैंक निफ्टी वीक है इसके अलावा निफ्टी ऑटो देखिए निफ्टी ऑटो की बात करते हैं तो निफ्टी ऑटो इज ऑल्सो इन ए बियरस मोड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एट्टी फाइव हंड्रेड इलेवन सेवन वन का चल रहा है यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलिए कि टू सेवेंटी टू एट्टी पॉइंट की uh, to, uh, 80 गिरावट स्टिल पॉसिबल uh, है निफ्टी uh, ऑटो से ऑटो इंडेक्स के अंदर बट दिस इज़ द वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बेस अगर अगर ऑटो सेक्टर में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट uh, करना अगर आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतरीन समय है बहुत ही बेहतरीन लेबल्स भी हैं दिस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन टू थाउजेंड जो मे टू थाउजेंड दो साल पहले ढाई uh, साल पहले की बात करें तब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था एटी फाइव हंड्रेड का निफ्टी ऑटो ने और उसके बाद अपना हाई टच किया था uh, बाईस जनवरी uh, uh, दिसंबर में लगभग दिसंबर एंड में ट्वेल्व थाउजेंड करो तो यहाँ से आपको एट्टी फाइव हंड्रेड एट्टी फाइव हंड्रेड फिफ्टी तक के लेवल ऑटो सेक्टर में मिल सकते हैं आज आपने देखा भी होगा कि एक सौ अस्सी पॉइंट डाउन होने के बावजूद भी अशोक लेलैंड कहीं ना कहीं हंड्रेड हंड्रेड वन का लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है और मार्केट ने स्टिल अगर इस लेवल को स्टिल अगर वो होल्ड करता है पॉजिटिवली नेक्स्ट फ्यू डेज मोर फ्यू मोर डेज तो मुझे लगता है कि आगे जब यहाँ तक रिवर्सल आएगा ऑटो तो सेक्टर में तो अशोक लेलैंड विल गिव ऑसम नंबर्स ऑसम रिटर्न्स सो so, अशोक लेलैंड इज ए वन ऑफ द कैंडिडेट जिसमें कि आप लोग हर डिप पे खरीदारी कर सकते हैं शानदार स्टॉक है ठीक है मारुति सुजुकी के बारे में अगर मैं कहूँगा तो मारुति सुजुकी मुझे बीक लगता है वो मुझे लगता है कि अभी सेवन थाउजेंड से ब्लो जा सकता है मारुति सुजुकी ओके okay, तो ये ऑटो इंडेक्स की बात की उसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स क्योंकि बिकॉज मेटल में बहुत सारे काउंटर्स हैं आप मेटल इंडेक्स में अगर बात करते हैं तो मेटल काउंटर्स में अगर आप टाटा स्टील को ले लीजिए जे स्टील को ले लीजिए जीएसएल को ले लीजिए जिंदल स्टेनलेस को ले लीजिए जिंदल स्टेनलेस हिसार को ले लीजिए या फिर आप प्रकाश इंडस्ट्रीज को ले लीजिए ऑल आर बॉटम्ड सभी बॉटम्ड है प्रकाश इंडस्ट्रीज में स्पेशली एक तो वैसे ही गिरावट है एक अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है लगातार एनली नंबर पे हाफ एनली नंबर पर काफी औसम शानदार नंबर्स पोस्ट किए पिछला टू थाउजेंड सेवनटीन परफेक्ट ईयर गया बट टू थाउजेंड एटीन ने काफी रुलाया प्रकाश इंडस्ट्रीज के निवेशकों को काफी पैनिक न्यूज भी आ रही है कि ई डी ने एक सौ सत्रह करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर लिए बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं फिलहाल काउंटर के साथ मुझे लगता है प्रकाश इंडस्ट्री सेवेंटी फाइव अगर सेवेंटी फाइव टूटा वीकली चार्ट पे अगर 75 फाइव टू टाइम एनी केस तब दोस्तों आपको 62 65 तक के लेवल भी प्रकाश इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं सो so, फिलहाल प्रकाश इंडस्ट्रीज में मैं ये कहूंगा कि अभी वेट करें फ्रेश पोजिशन अगर आपको बनानी है तो हंड्रेड को क्रॉस करने दें एंड आफ्टर क्लोजिंग अब द हंड्रेड रुपीज ही आप प्रकाश इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन को बनाइए स्टिल वेट करें प्रकाश इंडस्ट्रीज में जस्ट वॉच लिस्ट में अपने रखिएगा उसको यहां पर मेटल इंडेक्स आप बहुत आ, बहुत अच्छे सपोर्ट जोन में ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है मेटल का दिस इज द फर्स्ट उसके बाद यहां पर बॉटम सेकंड एंड द थर्ड वन इज द थर्ड वन दिस इज द थर्ड बॉटम और यहां पर मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है और यहां से मुझे लगता है कि मेटल इंडेक्स में एक अच्छी अपमूव की गुंजाइश है लेकिन रिमेंबर इट अगर थ्री के नीचे की मेटल इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी वीकली चार्ट पे, फिर दोस्तों आपको मेटल सेक्टर में और बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगी सो बी कॉशियस बी अलर्ट की यू नो आप कोई भी अपनी ट्रेड को लॉन्ग करना है तो ऑलवेज पुट अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड को आप इनिशिएट मत कीजिए आपके लिए वो एक यू uh, नो you know, एक कहते ना कि uh, अपने पैर पर खुद खुलाड़ी मारना तो अगर आप लोग स्टॉप uh, लॉसेस के बिना अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे इन एनी सेक्टर इन एनी स्टॉक डेफिनेटली आप सेम कर रहे हैं कि आप अपने पैर पर पे खुद कुलाड़ी मार रहे हैं आप अपने नुकसान की जिम्मेदार खुद हैं क्योंकि आपने स्टॉप लॉसिस नहीं बनाए बट यहां पर खरीदारी की जा सकती है द वन ऑफ द द बेस्ट काउंटर इन द यू नो अगर हम बात करते हैं आ, इसके अंदर तो टाटा स्टील आ, की बात करते हैं बहुत अच्छे लेबिल्स हैं टाटा स्टील में 500 तक के लेबिल्स अगर टाटा स्टील में मिल जाते हैं आपको अगर ये डिप देता है अगले के दिनों में पांच सौ चार सौ अट्ठानवे तक के लेबिल्स

मुझे लगता है कि जिंदल स्टेनलेस में भी आप इन लिविस्ट पर भी बाय कर सकते हैं एंड होल्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स द काउंटर विल गिव अल्टीमेट रिटर्न शानदार आपको रिटर्न मिलेंगे इस काउंटर में भी तो इस तरह के कुछ स्टॉक्स काउंटर्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं तो हमने आज बात की निफ्टी के बारे में निफ्टी इज वीक निफ्टी बैंक निफ्टी इज वीक निफ्टी मेटल सेक्टर इज जस्ट ट्रेडिंग एट इट्स बॉटम बहुत अच्छा समय है निफ्टी मेटल इंडेक्स में अच्छे जो स्टॉक्स हैं लाइक like, जिंदल जे स्टील में हो गया आपका या आपका दूसरा अगर हम आ, देखते हैं लाइक नेक्स्ट वन इज़ द टाटा स्टील इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी स्टॉक हिंडाल को इज़ द अनदर वेरी गुड स्टॉक जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं और uh, <coughs> ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको फंडामेंटल साउंड होते हुए भी आपको एक ऐसे लिबिस दे रहे हैं जो कि आपको शायद इन फ्यूचर ना मिले तो अच्छे स्टॉक्स में निवेश कीजिए प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ निवेश कीजिएगा और यही हमारा आज का कॉल था यही हमारा आज का जो भी एनालिसिस था कि निफ्टी फिलहाल अगले एक दो दिन और गिरावट दिखा सकता है 11 दिसंबर के बाद ही निफ्टी के ट्रेंड में रिवर्सल रहेगा वो इलेक्शन के रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी अभी वीक है मेटल सेक्टर अपना बॉटम बेस बना रहा है यहाँ पे अच्छे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं बट मेटल इंडेक्स अगर थ्री के नीचे जाता है तो मेटल काउंटर्स में और भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है उसके अलावा निफ्टी ऑटो इज आल्सो मेकिंग स्ट्रॉग बॉटम निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में लाइक आप अशोक लेलैंड हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया मारु सुजुकी में लगभग आपको अड़सठ सौ के लेवल अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं मुझे लगता है मारुति सुजुकी में अभी आपको वीकनेस मिलेगी बट अशोक लेलैंड इज वन ऑफ द फेवरेट काउंटर एस्कॉट्स हो गया आपका सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड टेन के बीच में अगर आपको एस्कॉट्स मिलता है डेफिनेटली आप एस्कॉट्स को लॉन्ग कर सकते हैं एक साइड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फेवरेट काउंटर एक्साइड साइड इंडस्ट्रीज में हर डिप पे आप बाय कर सकते हैं मदरसन सूमी इज़ वन ऑफ़ द फेवरेट काउंटर इत अल्टीमेट फंडामेंटल एंड यू विल गेट अमेजिंग रिटर्न इन द मदरसन सूमी ऑल्सो सो ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें आप निवेश कीजिए आप हर डिप पे खरीदे छोटी क्वान्टिटीज़ के साथ बड़ी क्वान्टिटीज़ बनाते रहिए महीने दर महीने साल दर साल आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा और बिना किसी बड़े मेजर रिस्क के सो दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ मार्केट के बारे में पता चल गया होगा कि अभी मार्केट नेक्स्ट वीक में कैसा चलने वाला है एंड बी कॉशियस बट डोंट बी ओवर एक्साइटेड मार्केट में तेजी आपको मिल सकती है बट ओवर एक्साइटेड मत होइए कोई बहुत बड़ी ट्रेड को इनिशिएट मत कीजिए जो भी ट्रेड इनिशिएट कीजिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉसेस इनिशिएट कीजिए और उसके बाद बिफोर बजट सेशन यानी कि फर्स्ट ऑफ फेबररी से पहले मुझे लगता है कि जब प्रॉफिट टेकिंग का समय आएगा तब उस वक्त आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ फेबरी के बाद और बिफोर इलेक्शन तक मार्केट में एक अनोदर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है सो so दोस्तों आप क्या करें आप भी यही सोच रहे होंगे उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आंसर मिले होंगे बहुत कुछ क्यूरी शॉर्ट आउट हुई होंगी अगले वीडियो में फिर हमारे साथ जुड़िएगा हम आपके साथ और बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होंगी जो कि आपके लिए फायदे के होंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं जिस तरह से हमने थर्ड ऑफ दिसंबर को आपको अलर्ट दिया था और उसके बाद से निफ्टी में लगभग लगभग आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है तो इसी तरह के वीडियो अगर आप आगे भी फ्यूचर में चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मैं जैसे ही वीडियोज को अपलोड करूं आपको उनके नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप समय रहते ही अपने एक्शंस को ले पाए अपने डिसीजन को फॉर्म कर पाए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच